फ्राइड राइस के लिए अभी ये अंडा फ्राई किया जा रहा है, आमलेट बना रहे हैं फ्राइड राइस में डालने के लिए। ये देखिए इस तरीके से आमलेट बना रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से ये आमलेट बन रहा है। ये देखिए हमें इस तरीके से आमलेट को बनाना है। ये देखिए जो हमने अभी चिकन फ्राई किया था ये उसी का बचा हुआ तेल अभी मैं डाल रही हूँ तपेली में। ये देखिए क्योंकि हमें कोई भी तेल वेस्ट नहीं करना है, ये हमारा चिकन का ही तेल है। इसमें जाएगा हमारा लहसुन पेस्ट, ये हमारा लहसुन का बारीक कूटा हुआ दरदरा सा पेस्ट है, बारीक नहीं ज़्यादा ही दरदरा सा है। इसको हमें पहले भून लेना है, लहसुन को तेल में अच्छे से भूनना है। ये देखिए हमारा लहसुन अच्छे से अभी भून रहा है। अभी इसमें जाएगी ये हमारी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए हमारी शिमला मिर्च भून गई है। अभी इसमें जा रहा है हमारा पत्ता गोभी, ये अभी हमारा जाएगा पत्ता गोभी। अभी पत्ता गोभी को भी अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा उसको भी हमें भून लेना है। ये देखिए हमारा शिमला मिर्च और ये गोभी, ये दोनों भुना जा रहा है। अब इसमें जाएगी ये हमारी वाइट वाली प्याज, जो हरी प्याज में रहती है ना आगे की, ये वाइट वाली प्याज है, ये वाइट वाली प्याज जाएगी। और ये ग्रीन वाली प्याज जो है तो ये गार्निश के लिए है। ये अभी इसको भी अच्छे से हमें भुनना है। चाइनीज़ आइटम को क्या है ना, ज़िया होता है, भुनना ही पड़ता है, बस चम्मच हिलाते रहो बस यही काम रहता है चाइनीज़ का। ये हमारा रेड चिली सॉस 2 चम्मच जाएगा, बड़े 2 चम्मच जाएगा रेड चिली सॉस। और ये ग्रीन चिल्ली सॉस हमारा, ये भी 2 चम्मच जाएगा। ये सोया सॉस 1 चम्मच डालना है हमें, सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालना है, सोया सॉस कम जाएगा। और ये हमारा विनीगर, ये भी हमारा 1 चम्मच ही जाएगा। ये हमारा चिकन क्यूब 1 जाएगा। ये देखिए 1 चिकन क्यूब डालना है हमें। अब इन सबको अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। अब ये जाएगा हमारा फ्राई किया हुआ चिकन। ये देखिए हमने चिकन को छोटे छोटे से काट लिए थे। और ये जो हमने अभी आमलेट तैयार किया था आमलेट, ये अभी हमारा आमलेट जाएगा। इन सबको भी हमें थोड़े टाइम के लिए भून लेना है। देखिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा है ना, रमज़ान है, बच्चों के लिए इफ्तारी के लिए हमारा फ्राइड राइस बन रहा है, तो ये थोड़ा हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है। बस अभी इफ्तारी का टाइम होने वाला है, 5 मिनट बाकी है, तो हमने सोचा कि गरम गरम बनाएं और गरम गरम ही इफ्तारी में खाएं, इसलिए हमने आज बहुत लेट बनाया है। ये देखिए अच्छे से हमें इसी तरीके से बस भूनना है, जितना हम भूनेंगे उतना हमारा मसाला ये अच्छा बनेगा। अभी इसमें जाएगा हल्का सा हमारा नमक, क्योंकि हमने चिकन में भी नमक डाला है, इस वजह से अभी हम नमक कम डालेंगे। और इसमें ना अजीनोमोटो भी डाला जाता है, अजीनोमोटो डालने से क्या है थोड़ा सा टेस्ट चाइनीज़ टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए हमने थोड़ा सा डाला है। अगर आप चाहो तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा डाला है। अभी देखिए अभी इसमें जाएंगे हमारे चावल, जो हमने चावल उबाल लिया था ये हमारे उसमें चावल जाएंगे। ये देखिए अभी चावल जाएंगे हमारे,
माशाल्लाह चावल हमने बहुत सारे उबाल लिए हैं, मसाले के हिसाब से ही बस हमें डालना है। जितना हमारा मसाला है हम चावल उतने डालेंगे। ये देखिए हमने सारे चावल मसाले में डाल दिया है, बस हमें इसको अच्छे से और घुमाना है। ये देखिए ये हमारा जा रहा है अभी हरा कांदा, ये हमारा हरा कांदा है। कम से कम ये मैंने 4 मुट्ठी हरा कांदा लिया, क्योंकि हमारा फ्राइड राइस ज़्यादा है इस वजह से मैंने कांदा भी ज़्यादा लिया है। ये देखिए हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से हमने पूरा फ्राइड राइस को मिक्स कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा कलर आ रहा है, चिकन में कलर ज़्यादा हो गया इस वजह से माशाल्लाह अच्छा कलर आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा फ्राइड राइस हो गया तैयार। नवी चटनी में एक चम्मच रखो। सॉस सॉस की प्लेट देखिए। सॉस सॉस एक नहीं निकाले भाभी, एक में निकाल के उधर दे दो। भजिया तो है ही नहीं, तुम जो वीडियो निकाल रहे हो। हाँ ये है हमारा फ्राइड राइस।